हेलो डियर स्टूडेंट वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो ऑफ थ्योरी मास्टर्स लर्निंग अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं हूँ सीए प्रीति अग्रवाल एंड आई मेक वीडियोस स्पेशली फॉर यू सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल थ्योरी मास्टर्स लर्निंग एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आते रहे स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्शन 42 जो बात करता है प्राइवेट प्लेसमेंट की अच्छा प्राइवेट प्लेसमेंट के प्रोविजंस पढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि एक कंपनी के पास पैसा फाइनेंस रेज करने के कितने ऑप्शन हैं बहुत सारे ऑप्शन हैं वैसे तो जैसे कंपनी बैंक के पास जा सकती है या फिर कंपनी पब्लिक के पास जा सकती है अपने सिक्योरिटीज ऑफर करने सिक्योरिटीज़ विल इंक्लूड शेयर्स एज वेल एज डिबेंचर्स या फिर कंपनी किसी प्राइवेट पर्सन के पास जा सकती है इट्स अ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन जिन पर हमें कॉन्फिडेंस है कि भाई इनके पास चले गए ये तो हमारे सिक्योरिटी सब्सक्राइब कर ही लेंगे अगर आप किसी प्राइवेट पर्सन के पास जाते हो किसी सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन के पास जाते हो देन दैट इज नोन एज प्राइवेट प्लेसमेंट अभी कौन जा सकता है प्राइवेट प्लेसमेंट तो कोई भी कर सकता है पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी अब पब्लिक कंपनी के, के पास क्या ऑप्शन है दे कैन रेज मनी थ्रू द पब्लिक ऑफर पब्लिक के पास जाके पैसा रेज कर सकते या फिर उन्हें लगता है कि नहीं मुझे पब्लिक ऑफर करने की ज़रूरत नहीं है ये सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सनज हैं इनसे मैंने बात कर ली ये तो पैसा दे ही देंगे अ पब्लिक कंपनी कैन गो आइदर फॉर पब्लिक ऑफर और प्राइवेट प्लेसमेंट लेकिन एक प्राइवेट कंपनी की अगर हम बात करें उनके पास तो पब्लिक के पास जाने वाला ऑप्शन है ही नहीं सो अ प्राइवेट कंपनी विल रेज मनी इट विल रेज फाइनेंस फ्रॉम दैट सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन ओनली अच्छा चलो अगर कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि पब्लिक के पास नहीं जाते हैं ये जो सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन हमने आइडेंटिफाई किया है ना इन्हीं को ऑफर देते हैं ये हमारे शेयर्स खरीद ही लेंगे शायद So, private placement is an offer which is made for subscription of securities. Securities word easily used because it includes both shares as well as debentures. Even debentures can be offered either through public offer or private placement. So, what is private placement? It is an offer or invitation for subscription of securities to a selected group of persons. So, can I say this is like a specific offer? ड इट कैन बी एक्सेप्टेड बाई दैट ग्रुप ऑफ पर्सन ओनली ये आपका माइंड सही डायरेक्शन में जा रहा है अच्छा अभी हम ऑफर कैसे देंगे उसे कैसे बताएंगे ये सिक्योरिटीज uh, के बारे में वी विल गिव दैम अ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर ठीक है बहुत ही लॉजिकल सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस में अभी हम पढ़ेंगे तो मुझे इन सिलेक्टेड लोगों को ऑफर देना है तो मैंने इन्हें ऑफर लेटर दे दिया अच्छा ग्रुप कितना बड़ा हो सकता है कितने लोगों को आप ऑफर दोगे सो यू कैन गिव ऑफर टू मैक्सिमम टू हंड्रेड पर्सन इन अ फाइनेंशियल ईयर इसमें में क्यू आई बी दैट इज क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स एंड द सिक्योरिटीज विच यू हैव अलॉटेड इन द फॉर्म ऑफ टू द एम्प्लॉयज इन द फॉर्म ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन विल नॉट बी इंक्लूडेड ठीक है तो वो पर्सन में आप क्यू आई बी जैसे बैंक्स हो गए म्यूचुअल फंडस हो गए वो उनको इंक्लूड नहीं करोगे एंड एम्प्लॉयज जिनको आपने ई सॉब्स दिए हैं उन्हें इंक्लूड नहीं करोगे ओके बट वॉट इफ आई एक्सीड दिस नंबर मैंने 500 लोगों को ऑफर दे दिया देन इट इज नॉट प्राइवेट प्लेसमेंट इट विल बी कंसिडर्ड लाइक अ पब्लिक ऑफर ठीक है तो सबसे पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि हम एक ग्रुप ऑफ पर्सन को आइडेंटिफाई करेंगे उन्हें ऑफर लेटर देंगे कितने लोगों को दे सकते हो क्या है वो ग्रुप का साइज 200 हंड्रेड पर्सन इन अयर ठीक है आगे बढ़ते हैं उन्हें मेरा ऑफर मिल गया दे वॉन्ट टू सब्सक्राइब टू सिक्योरिटीज तो वो क्या करेंगे वो फॉर्म भरेंगे एंड दे विल सेंड द सब्सक्रिप्शन अमाउंट अलोंग विद इट कैसे भेजोगे भाई कैश दे सकते हैं चेक देना है ड्राफ्ट देना है कैसे देना है तो लॉ ने बहुत स्पेसिफिकली लिखा है कैश नहीं चलेगा बाकी कोई भी मीडियम यूज कर लो चेक से दे दो डिमांड ड्राफ्ट दे दो एनी अदर बैंकिंग चैनल लाइक आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो लेकिन कैश नहीं चलेगा तो ठीक है हमने उन्हें ऑफर लेटर दिया उनको सब्सक्राइब करना है उन्होंने हम, वो फॉर्म फिल करके दिया एंड पैसे दे दिए चलो अभी पैसे आ गए हैं हमारे पास में दिस मनी विल बी केप्ट इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट ओके जब तक अलॉटमेंट्स नहीं हो जाती एप्लीकेशन आ रहे हैं आई विल कीप इट इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट ठीक है पैसे सारे आ गए मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ गया मेरा अब शुरू करते हैं अलॉटमेंट ओके सो लॉजिकली हम जा रहे हैं अब शुरू करेंगे अलॉटमेंट सो दे सी देस अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन डन फॉर यू पीपल गिव एप्लीकेशन टू द कंपनी द कंपनी हैज टू अलॉट द सिक्योरिटीज विद इन सिक्सटी डेज Okay, तो जैसे ही एप्लीकेशंस आ गए लास्ट डेट खत्म हो गई सिक्सटी डेज के अंदर अंदर आपको अलॉटमेंट्स कर देने हैं नहीं किए तो 60 डेज के अंदर अंदर अगर हमने नहीं एप्लीकेशंस आ गए उसके 60 डेज के अंदर अंदर नहीं किए तो देन इन दैट केस द कंपनी विल हैव टू रीपे ऑल दिस एप्लीकेशन मनी विद इन फिफ्टीन डेज फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ दोज 60 डेज तो जैसे ही 60 डेज खत्म हो गए अलॉटमेंट का टाइम खत्म हो गया आपने अगर अलॉटमेंट्स नहीं कंप्लीट किए तो अगले पंद्रह दिन के अंदर अंदर तो जैसे ही वो सिक्सटी डे खत्म होता है सिक्सटी फर्स्ट डे से पंद्रह दिन के अंदर अंदर सारा एप्लीकेशन मनी आपको रिटर्न करना है नहीं किया तो फेलियर विल रिजल्ट इट विल अट्रैक्ट इंटरेस्ट तो क्या होगा एप्लीकेशन मनी तो देना ही है उसके साथ में मुझे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ ट्वेल्व पर एनम और कब से कैलकुलेट होगा वो इंटरेस्ट फ्रॉम द सिक्सटी फर्स्ट डे एक बार रिवाइज कर ले अलॉटमेंट करने के लिए एप्लीकेशन आ गई डेट खत्म हो गई हमने देखा मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट मिल गया है मुझे अलॉटमेंट शुरू करने हैं अलॉटमेंट शुड बी डन विद इन सिक्सटी डेज नहीं किया तो रीपे ऑल द एप्लीकेशन मनी विद इन फिफ्टीन डेज फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ सिक्सटी डेज नहीं किया रिटर्न then you will have to repay it along with with interest at the rate of 12 percent per annum which will be calculated from the 61st first day onwards let us proceed देखो अब हमने शेयर्स अलॉट कर दिए अभी एक्स्ट्रा पॉइंट्स पढ़ लेते हैं किसकी बात कर रहे हैं हम प्राइवेट प्लेसमेंट प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है वो प्राइवेटली एक ही सिलेक्टेड ग्रुप को दिया जाता है तो इसका मतलब है कि इस प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर की आप एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते एडवर्टीजमेंट कर दी तो इट विल बी ट्रीटेड जस्ट लाइक अ पब्लिक ऑफर सो कंपनी शल नॉट रिलीज पब्लिक एडवर्टीजमेंट और यूज एनी मीडिया मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल टू इन्फॉर्म द पब्लिक अबाउट द इश्यू भाई अलॉटमेंट्स कर दिया आपने ये सब तो आपस की बात है ना कंपनी टू कंपनी और मेंबर्स को ही पता है इसके बारे में अब तक आपने आर को इन्फॉर्म नहीं किया है एंड एवरी थिंग नीड्स टू बी इन्फॉर्म टू दी आर रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट भरो रिटर्न मतलब वापस देना नहीं होता है रिटर्न मतलब आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा फाइल इट विद दर ओ सो लिस्ट ऑफ ऑल द सिक्योरिटी होल्डर्स क्या लिखेंगे हम रिटर्न में सिक्योरिटी होल्डर्स की डिटेल्स देंगे उनका फुल नेम एड्रेस नंबर ऑफ सिक्योरिटीज अलॉटेड एंड एनी अदर डिटेल रिक्वायर्ड इन दैट फॉर्म रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट विल बी फाइल्ड विद ओ सी हमने ये प्रोविजन फॉलो नहीं किए वी हैव कॉन्ट्रावीन प्रोविजन सेक्शन फोर्टी टू तो पेनल्टी क्या है कंपनी प्रमोटर्स डायरेक्टर्स दे विल हैव टू पे पेनल्टी अमाउंट इन्वॉल्व इन दफर और इन्विटेशन और टू क्रोर्स विच एवर इज हायर तो जितना भी पैसा उस ऑफर या इन्विटेशन में के आप रेज करना चाहते थे टू करोड़ से कंपेयर करो जो भी हायर है वो आपकी पेनल्टी है साथ में द कंपनी विल ऑल्सो द सब्सक्राइबर्स दैट मनी विद इन थर्टी डेज ऑफ द ऑर्डर इम्पोजिंग द पेनल्टी तो जो भी पैसा आया है वो गलत आया है रिफंड करो और साथ में पेनल्टी भरो तो स्टूडेंट्स ये थे प्रोविजंस प्राइवेट प्लेसमेंट के इस पर थ्योरी क्वेश्चन आता है जनरली मार्क्स थ्री फाइव मार्क्स टू सिक्स मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है एंड फॉर दैट इतना कंटेंट सफिशियंट है